मेरे साथ यहाँ पे मौजूद बैठे हैं हाईवे डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और जो हमारे इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर हैं। जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किया है, कंपेटिटिव बिड के प्रोसेस के थ्रू हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर जो है वो मैग्मा हाईवे और पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट है और मलिक साहब की फॉर्म जो है वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सामने आई है, इनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप पहले सफे पर आ जाए तो हम वहाँ से ये सिलसिला शुरू करते हैं। 2018 के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ। 2018 के अंदर हम इलेक्शन जीते, हम मुंतखब हुए, हमने ये जद्दोजहद जो थी शुरू की। महकमा रेलवे से हमने ये महकमा हाईवे से मौजूद बैठे हैं महकमा हाईवे, हमने इनसे एस्टिमेट मांगा, हमने कहा हम ये अंडर पास बनाना चाहते हैं, हमने इसका तखमीना रखा। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। जो पहला सफ़ा है इसके अंदर, इसमें आप देख सकते हैं ये फरवरी 2019 का डॉक्यूमेंट है, महकमा रेलवे का डॉक्यूमेंट है, जिसमें महकमा रेलवे मैंने हाईलाइट भी किया है आपकी आसानी के लिए। महकमा रेलवे इसमें कह रहा है कि आपने जो हमारे से मांगा है एस्टिमेट रिगार्डिंग द अंडरपास, ये हम आपको आपसे बुला रहे हैं, महकमा हाईवे को सबमिट कर चुके हैं कि हमारी इस पर क्या लागत आएगी। ये दिखाने का मकसद है कि हम 2019 से ही इसकी जद्दोजहद या इसकी कार्रवाई शुरू कर चुके थे जब हम मुंतखब हुए थे। आगे चलते हैं, सफा नंबर दो जो है इसके अंदर वो जिसका वो हवाला दे रहे हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो रेलवे डिपार्टमेंट ने हमें दिया उसकी कॉपी है, और इसमें ये बता रहे हैं हमें कि हमें ये मंसूबा आप लोग जो तैयार करेंगे, अंडर पासेज अमूमन जो आप देखते हैं वो महकमा हाईवे तक तामीर करते हैं, महकमा रेलवे को इसके चार्जेस अदा किए जाते हैं उस लीज के जो लैंड होती है उसके साथ में लगता, या जो वहाँ पे ट्रेनों की आमदोरफ्त में सुस्ती आती है दौराने कंस्ट्रक्शन, उसके चार्जेस वो हमारे से लेते हैं और दीगर चार्जेस जो इसके अंदर मेंशन भी हुए हैं आप अगर पढ़ेंगे तो ये डिपार्टमेंटल चार्जेस, सुपरवाइजर चार्जेस, वो तमाम का तखमीना लगा के उन्होंने कहा कि इस काम को करने के लिए 15 करोड़ रुपया हम आपको रफ कॉस्ट एस्टिमेट दे रहे हैं। ये है अप्रैल 2020 की चिट्ठी जो नहीं दी गई, हुकूमत वापस आई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अगस्त 2023 के अंदर, परवेज इलाही साहब वापस आए, मैं उनसे मिला, उनसे रिक्वेस्ट की हमारा शहर का अहम मसला है मेहरबानी फंड, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि जितने फंड्स दरकार है जरूर मैं इसके लिए तुम्हें दूंगा, जब चाहिए होगा मैं दूंगा, इसमें रुकावट या सुस्ती नहीं आएगी। महकमा बैठा है, ठेकेदार बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, इन्होंने महकमा रेलवे से रजू किया, महकमा रेलवे से काम शुरू करने की इन्होंने इजाज़त तलब की। महकमा रेलवे ने अगला सफा जो है चिट्ठी का, इसका सफा नंबर 22, महकमा रेलवे ने इनको इसी महीने में परमिशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेस्ट पाइल की इजाजत दी, अलाउड लिखा गया है, ठीक है ना, महकमा रेलवे ने इनको ये इजाजत दी इसी महीने। जिस वक्त ये इजाजत मिली दोस्तों, ये पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा ये टेस्ट पाइल क्या है, क्योंकि ये जमीन की खुदाई होनी है और ये लाइनों के नीचे से इसने गुजरना है, तो उसका एक बुनियादी वो जो टेस्ट है आप कह लें या पहला मरहला जो है उसका, वो जमीन की मजबूती मैं आसान अल्फाज में अगर समझा दूँ, चेक करना है कि ये जो हमने इसको सपोर्ट देनी है वो कितनी गहराई तक जाके और कितनी मजबूती इसको दरकार है, उसको चेक करने की इनको इजाजत दी गई और कहा गया कि आप काम को शुरू करें। ऐसा ही है, जब इनको ये इजाजत मिली इसके लिए 9 लाख करके डिपॉजिट किया, इन्होंने इसके लिए पैसे जमा कराए, उसकी रसीद अगले सफे पे मैंने आपको शामिल की ली है, जो पैसे इन्होंने रेलवे को जमा कराए। जब ये इनको इजाजत मिली तो हमने इसको तसव्वुर किया कि ये काम का आगाज है, ये काम शुरू होने जा रहा है, उस काम को शुरू होने का ये पहला कदम है, तो इसको तसव्वुर किया जाए कि ये संगीत बुनियाद है, ये शुरू है, ये आगाज है। हम अपने शहर अपने दोस्तों के साथ, जिनका ये बहुत पुराना मुतालबा था, ये कोई महीना दो महीने साल पुराना नहीं, बहुत पुराना मुतालबा, उनके साथ हम ये शेयर करें,
और हम उनको बताएं कि ये काम का आगाज हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले 7-8 माह में मुकम्मल भी हो जाएगा। तो जब हमने ये नशर किया या ये डेट का फैसला किया पैनाफ्लेक्स शहर में लगे, तो यकलख्त रेलवे का भी मिजाज बदल गया, यकलख्त ये पैनाफ्लेक्स से जाने लग गया, वही रेलवे का डिपार्टमेंट जो हमें इजाज़त भी दे रहा है, जो हमारे साथ कॉपरेट भी कर रहा है, जिसके पास हमने नक्शा भी सबमिट किया हुआ है, जिसको उनका कोई मसला नहीं था, यकदम उसको मसला दरपेश हो गया और वो हमारे महकमे को हमारे लोगों को कॉल करके धमकियाँ देने लगा कि आप ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डिले करें। इसमें ताफ़ुज़दार साहब ने हमारे पे मेहरबानी की। अगला सफ़ा जो है सफ़ा नंबर 16, इस पर आप देख सकते हैं कि ये मनसूबा पंजाब गवर्नमेंट का जो ADP है 2021-22, इसमें ये मनसूबा मेंशन किया गया, इसको शामिल किया गया और इसके लिए फंड जो है वो मुहैया किए गए। तो ये बात हमारी गुफ्तगू से हमारी ख्वाहिश से आगे बढ़ के पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब असेंबली की एक पासशुदा एक बजट का हिस्सा बन गई और इसके फंड जो थे वो मुख्तस कर दिए गए। इससे आगे जब ये सिलसिला चला इसका फिर अगला सफा जो है सफा नंबर 17, इसका एक डॉक्यूमेंट होता है PC-1, इसकी PC-1 की मंजूरी दी गई, ठीक है ना। ये पहला स्टेप होता है प्लानिंग कमीशन की तरफ से जिसमें इसकी बाकायदा से मंजूरी दी गई कि ये इसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट है, इसको जो है अब हम ओके पास करते हैं, इसकी तामीर की इजाजत देते हैं। इसके अगला जो है सफा नंबर 18, यार मैं गल करवा मेरी गल बोल रही करनी हो थोड़ा बाहर चले जाने। सफा नंबर 18 के ऊपर फिर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया है ये कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, जनवरी 2022 का डॉक्यूमेंट है। ये इस मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। पंजाब का जो हाईएस्ट फोरम है जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन उसको हेड करता है, उसने बैठ के इस मंसूबे की मंजूरी दी और उसने इसको फीजेबल डिक्लेयर किया कि ये मंसूबा जो है ये अब पास हो चुका है। न सिर्फ ये, अगर आप इसका सर्वे का निचला हिस्सा पढ़े, उन्होंने इसमें अहकाम जारी किए कि इसको दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किया जाए और उसमें उन्होंने कहा कि हम हिदायत करते हैं CWD को कि इसी साल इसी माली साल के अंदर जितने भी फंड्स दरकार हैं वो फंड्स मुहैया किए जाएं ताकि ये मंसूबा जो है ये कंप्लीट हो सके। उस वक्त के मंसूबा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7-8 माह दरकार थे इसको कंप्लीट होने के। तो ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, इसकी मंजूरी है पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट को पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आप जाकर ये अंडर पास। इसमें तखमीना है इसका 78 करोड़ रुपए का। ये कैसे हुआ, जब ये थर्ड पार्टी के पास गया नेस्पाक के पास गया, नेस्पाक ने कहा आप आज तामीर कर रहे हैं तो इसको छोटा ना तामीर करें, एक ही दफा बड़ा तामीर करें, इससे ट्रॉली बड़ा ट्रक हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो आसानी से गुजर सके। वो करने में इसका एस्टिमेट जो पहले 35 करोड़ थे। तो जब ये बात हुई हमने उनको कहा कि